हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आपने देखा है पिछली क्लास में कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था, और वहां से हमें सीखने को मिला कि हम उसमें किस तरीके से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है तो, राइट। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं कि रिएक्शन में हम किस तरीके से अफेक्ट डाल सकते हैं, उसके रफ्तार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, उन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो फैक्टर बेटा निकल के आता है वो आपका है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा जो फैक्टर बेटा आता है वो मैं कहूंगा कि भाई टेम्परेचर भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। चलो तो हम टेम्परेचर पहले लिख लेते हैं और कैटलिस्ट तीसरे नंबर पे। कैटलिस्ट और एक थ्योरी और है बेटा जो बहुत फेमस है, इतना ज्यादा खास उस पर बातचीत नहीं होती है, बट फिर भी इफेक्टिव कॉलिजन। तो मैं बच्चा लोग आप लोगों से वन बाय वन में चर्चा करूंगा कंसेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट और इफेक्टिव कॉलिजन पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे यार, उन्होंने इस पर काफी चर्चा करा है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली बेटा हम ये देखते हैं, ठीक है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा। सीधी सी बात है। रिसर्च किया जिस साइंटिस्ट ने इस पर बात करी, उनका नाम था गोल्डबर्ग एंड वागे। उन्होंने देखा कि जब मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और उन्होंने अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक लॉ के जरिए इंडिकेट करा, उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। इन्होंने बताया क्या, अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग एंड वागे ठीक है, कि जो भी आपका रिएक्टेंट होता है, ए बी निरीक्षण करा, क्या बन गया बेटा, सी एंड डी। उन्होंने ये कहा कि जब रिएक्शन होता है तो इसका जो हमारा जो रिएक्टेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट को बनाने में। अब देखो समस्या क्या आता है बेटा यहां पे, इन्होंने कहा क्या उस पर जरा एक बार ध्यान देना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन उसका जो पावर होगा ना बड़ा ए और बी का, है ना, वो जो है रेज टू पावर हो जाएगा कॉफिशिएंट, क्या कॉफिशिएंट, यानी दिस वन विल रेज टू द पावर। सो हम यहां लिख लेते हैं बेटा ए और यहां पे बी, एंड फाइनली हम लोग यहां लिख सकते हैं आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये लिख लिया है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉफिशिएंट रेज टू द पावर, एंड अगेन इन द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ऑफ बी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन एस्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट इज बी। और इस लॉ को कहा जाता है, इस पूरे जो है इक्वेशन को कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन में ये पाया जाता है बेटा कि कई बार क्या होता है ना, हमें दिखने में जो जैसा दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। जैसे मान लो कि किसी रिएक्शन में तुमने रिएक्शन कराया 5 मोल ए है और 10 मोल बी है, जब 5 मोल ए और 10 मोल बी जब रिएक्शन करेंगे
तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट तो बनेगा, नो डाउट, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि 5 मोल जो तुमने ए लिया हुआ है वो 5 मोल ही रिएक्शन करे, हो सकता है वो 4 मोल हो सकता है वो 3 मोल हो। तुम्हें कैसे पता कितना मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? मान लो कोई बॉडी बिल्डर आदमी है और वो आपसे लड़ाई करने आ रहा है, बट एक्चुअली उसे लड़ाई करना आता ही नहीं है, शारीरिक तौर पे बड़ा है और आप थोड़े दुबले पतले, बट यू नो दैट हाउ टू टैकल, लड़ाई कैसे की जाती है। तो उसका वेट तो ज्यादा है, मास तो ज्यादा है बंदे का, लेकिन जब लड़ाई का टाइम आ रहा है तो उसके हिसाब से उसका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो निकल के नहीं आ रहा है, समझे? देखने में 5 मोल है लेकिन उसका परफॉर्मेंस 2 मोल का था, रिएक्शन पार्टिसिपेशन उसका बहुत कम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉफिशियंट या जो उसका जो मोल में जो हम क्वांटिटी लेते हैं रिएक्टेंट का वो एग्जैक्टली जो है उतना ही पार्टिसिपेट करे, ये जरूरी नहीं है। तो वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन में, ये पता करने के लिए बच्चों यहां पर इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है उसके बाद जो इक्वेशन बनता है उसको फिर हम बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। कुछ खास चेंज नहीं है, आप भी समझ जाओगे। ए का रिएक्शन बी के साथ हो रहा है और सी और डी बन रहा है। अगर आप देखेंगे बेटा ध्यान से यहां पे, तो आर ओ आर इज इक्वल टू के, और जो ए है ए की पावर कोएफिशिएंट ए आना चाहिए, बट मैं ए नहीं लिखने वाला हूं, क्यों अभी आप समझ जाएंगे। और ये आपका आ जाएगा बी, मैं यहां बी भी नहीं लिखने वाला हूं। मतलब बहुत सिंपल है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा रहा है बालक, तो मैं इसको यहां लिख दूंगा एक्स और इसे यहां लिख दूंगा वाई। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि वो ए उतना ही हो जरूरी नहीं, मान लो यहां टू है तो एक्स की वैल्यू टू हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि वो टू हो। ऐसे ही बेटा वाई यहां की वैल्यू कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है। ये जो इक्वेशन आपके पास आया है अभी अभी, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेट लॉ। बोलो यहां तक समझ में आता है? दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। तो रेट लॉ में क्या होता है, जो पावर होता है ना कंसंट्रेशन का वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे बच्चों। अगर आपके पास रेट लॉ आ चुका है तो अब रेट लॉ निकालने में टाइम नहीं लगना चाहिए जरा सा भी, क्योंकि अगर आपसे कोई बोलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए उस व्यक्ति से, मुझे पहले रेट लॉ तो बताओ, रेट लॉ क्या है, मैं हवा में थोड़ी बता दूंगा कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप चुपचाप यहां पहले एक हेडिंग डाल दें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं स्मॉल एन से डिनोट करता हूं और तुम भी करोगे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, मैंने आपसे अभी अभी कहा कि रेट लॉ मुझे बताओ तो मेरे से ऑर्डर ले जाओ, सिंपल सी बात है। आपको लिखना क्या है यहां पे, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन गिवन रेट लॉ, इन गिवन रेट लॉ। यानी कि मैं अगर आर ओ आर लिखता हूं किसी भी रिएक्शन का कुछ ऐसा जैसा मैं अभी लिख रहा हूं, तो पालक मैं यहां लिखूंगा ऑर्डर ब्रैकेट में स्मॉल एन और एक्स प्लस वाई। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे थे सिर्फ पावर ऐड कर देंगे तो ऑर्डर आ जाएगा? बिल्कुल ये करना है, क्या रॉकेट साइंस है इसमें। रेट लॉ तुम्हें दिया हुआ है, रेट लॉ के बिना तुम ऑर्डर निकाल नहीं सकते हो। एटलीस्ट ये बात समझो यहाँ पे, ये कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का जो हम रेट लॉ में देखते हैं उसका जो भी पावर है, हाफ है, वन है, थ्री है, व्हाटएवर, आप उसको ऐड कर दो एंड फाइनली यू विल हैव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो यहां तक बात समझ में आता है? आगे बढ़े, चलो आगे की बात करते हैं बच्चों। यहां पे
मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर। क्या ऑर्डर है? पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बट ऑर्डर का पहला जो इसका जो विशेषता है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो इवन नेगेटिव, इवन पॉजिटिव, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है। ये होगी दूसरी बात। ठीक, तीसरी बात, इट इज वेरी मच मीनिंगफुल या इट इज मीनिंगफुल फॉर ओवरऑल रिएक्शन। बोलो क्या यहां तक समझ में आता है? सर ये ओवरऑल रिएक्शन का क्या मतलब है? है ना, कोई रिएक्शन है, मान लो बेटा ए, और ए से क्या बन रहा है बी, और बी से क्या बन रहा है डी। कुछ भी मान लेते हैं, ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, वो इस पर्टिकुलर स्टेप पे काम नहीं करता, याद रखना है बात। वो हमेशा जब भी काम करेगा वो प्रॉपर ऑर्डर पे काम करेगा, मतलब ए से लेकर सी के बीच में काम करेगा, बट पर्टिकुलर आप स्टेप पे अगर इसका काम देखेंगे तो ये कभी काम नहीं करता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, चलो थोड़ा और समझा देता हूं आपको ये चीज। कोई भी रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो सिंपल या तो कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन बेटा या कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल रिएक्शन होता है वो वन स्टेप होता है, वन स्टेप, और ये होता है मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप यानी दो से ज्यादा। समझ में आया? तो सिंपल रिएक्शन बेटा रट्टा मान लो वन स्टेप रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स इज अ मल्टी स्टेप, दो हो सकता है तीन हो सकता है ऐसा। आते हैं अगले टॉपिक बेटा, जिसका नाम है, क्या नाम है? रेट कॉन्स्टेंट। रेट, व्हाट इज रेट कॉन्स्टेंट? अगर आपसे कोई पूछे रेट कॉन्स्टेंट से आप क्या समझते हैं, आप क्या जवाब देंगे? इसका आंसर रेट लॉ में छुपा हुआ है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे छुपा हुआ है। लिखो यहां पे, सबको पता है ये बात और दुनिया ये जानती है, तुम नहीं जानते हो बात अलग है बालक। क्या कह रहे हो, जानते हो? चलो फिर तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा यहां पे। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का और बी का भी, वो हो जाए वन मोलल। क्या हो जाए? वन मोलल या मोलर मान लो, यहां पर आप मोलारिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोलारिटी ले लीजिए, वन मोलर। अगर वन मोलर हो जाता है तो बच्चे एक बात बताओ, वन का आप चाहे कितना भी स्क्वायर और यू नो कुछ भी आप करेंगे, वन का स्क्वायर कर लो आप, क्यूब कर लो, कोई फायदा नहीं है, आना उसको वन ही है। तो के कहीं ना कहीं किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन के। बोलो समझ में आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो के है वो एक रेट ऑफ रिएक्शन ही है? हैं, क्यों आया ना? के क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज अ आर ओ आर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी वन। बोलो यहां तक आपको समझ में आता है? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये महसूस नहीं होगा कि हाँ हमने कमेंट किया बट सर ने बताया नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, आपको रिवर्ट जरूर होगा बेटा। चलिए रेट कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं वन बाय वन। कैरेक्टर ऑफ के,
कैरेक्टर ऑफ के। तो जो पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है, इट मेजर द वैल्यू ऑफ, इट मेजर द वैल्यू, वैल्यू आप कह सकते हैं, स्पीड इज बेटर, इट मेजर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना, greater the value of k, faster the reaction। बोलो यहां तक समझ में आता है, is it clear? दूसरा, different reaction will have different rate constant। ठीक है, दो बातें होगी बेटा, इसे जरा ध्यान से समझ लेंगे। तीसरा, रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर सेम रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर, अरे यार एक रिएक्शन के लिए अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे T1 के लिए अगर पॉइंट K1 है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो समझ में आता है। अगला, फोर्थ पॉइंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज Always depends on order of reaction। मेरे भाई बोलो, समझ में नहीं आया? आया? और क्या हो सकता है बताओ? It changes on using catalyst। क्या है दो, यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, पक्की बात है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जैसा कि देखा कि इफेक्ट ऑफ कंसीडरेशन किस तरीके से अपना काम कर रहा है और किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रेट लॉ क्या चीज होता है जिसके अंदर ऑर्डर यानी कि जो पावर होता है कंसीडरेशन का, अगर वो एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन करते हैं तब कहीं जाकर वो रेट लॉ बनता है, अदरवाइज वो लॉ ऑफ मास एक्शन ही होता है और वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम रेट कांस्टेंट को देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और ऑब्वियस सी बात है वो पार्ट में कैसे छोड़ सकता हूं, है ना, इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, करेंगे बात, करेंगे और भी काफी सारे टॉपिक्स पे चर्चा अगली क्लास में, और मिलते हैं बच्चों, नमस्कार।